हे गाइस, वेलकम टू ऑल चुप कैच जीके। तो गाइस, पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी आपने फॉर्म फिल किए थे सभी की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, तो जल्दी से आपको आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर इन्होंने नोटिफिकेशन अपलोड किया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे इलेक्शन कानगो, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, जो इलेक्शन कानगो का एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 8 अप्रैल को। ये देखिए, 8 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आबाकारी एंड कर निरीक्षण, इसका जो एग्ज़ाम होगा इसका भी 8 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइज, उसके बाद बात करते हैं अधीन चोन सेवामा बोर्ड में जो क्लर्क की वैकेंसी आई थी, डाटा इंटरप्रेटर की वैकेंसी आई थी, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 6 मई को। ठीक है, 6 मई को इसका एग्ज़ाम होगा, तो बहुत कम टाइम आपके पास है। पहले इसका रिटर्न होगा, उसके बाद जो क्लर्क की वैकेंसी है उसके बाद इसके आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, पंजाबी एंड इंग्लिश दोनों की। उसके बाद गाइज, स्त्री ते बाल विकास विभाग में जो वैकेंसी आई थी, इसका जो फॉर्म फिल हुए थे 1/12/2015 को, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी होगा 6 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज़ अपलोड करी है इन्होंने। उसके बाद गाइस, इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इसकी जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो वेबसाइट को देखते रहिए, वेबसाइट पर अपनी नज़र बनाते रहिए, ठीक है। तो गाइज, इसके एडमिट कार्ड के बारे में जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा, जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इलेक्शन कानगो के बारे में काफ़ी आप मुझे पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, मैं आपको कह भी रहा था कि इसका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, तो 8 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ आबाकारी ते कर निरीक्षण का जो एग्ज़ाम होगा वो भी होगा 8 अप्रैल को। तो बहुत कम टाइम है आपके पास, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हैं इलेक्शन कानगो के रिगार्डिंग, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, और आगे भी हम तैयारी करेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है आप सभी के पास। तो गाइज, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। ओके गाइज, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।